मिसेस रंधावा ने चिल्लाते हुए कहा, बिल्कुल झूठ, सब झूठ, सब झूठ है ये कि बदमाश लड़के मेरे बेटे के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी आंखें लाल और चेहरा गुस्से से तना हुआ था। वो इतने गुस्से में थी कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उस लड़के को कच्चा चबा जाएगी जो उसके बेटे के खिलाफ कुछ बोल रहा था। वो लड़का जिसने थोड़ी देर के लिए अपना मुंह खोला था, मिसेस रंधावा के डर से उसने फिर से अपना मुंह बंद कर लिया। विनिता रंधावा का गुस्सैल चेहरा देखकर वो सारी बातें भूल गया, यहां तक कि क्या बोलना था। मिस्टर आहूजा ने मिसेस रंधावा को चेतावनी देते हुए कहा, आप फिर से कोर्ट की डिसरेस्पेक्ट करने की गलती कर रही है मिसेस रंधावा। अब आपको एक मिनट के लिए भी यहां पर रहने की इजाजत नहीं है। गवर्नर ने कहा, मिसेस रंधावा को इस केस की सुनवाई होने तक कोर्ट रूम के दरवाजे तक ही रखा जाए और अभी के लिए उन्हें पिछली वाली सीट पर बिठा दिया जाए। गवर्नर ने अपने स्टाफ को मिसेस रंधावा को वहां से ले जाने के लिए कहा और जाते जाते उनका मुंह भी बंद करने के लिए कहा, क्योंकि वो लगातार ही बोले जा रही थी। रंधावा परिवार के एक स्टाफ ने पूरी इज्जत के साथ मिस्टर वीरेंद्र आहूजा से कहा, सर सर प्लीज थोड़े अच्छे से पेश आइए, मिसेस रंधावा कोई मामूली औरत नहीं बल्कि रंधावा परिवार की मालकिन है, कम से कम थोड़ी सी रंधावा परिवार की तो इज्जत कर लीजिए। मिस्टर आहूजा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मुझे रंधावा परिवार की इज्जत जितनी करनी थी मैं कर चुका हूं, अब मैं एक मिनट के लिए भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि रंधावा खानदान हर बार अपनी हरकत से यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि उनकी नजर में कानून की कोई इज्जत नहीं है। जब उस स्टाफ ने देखा कि मिस्टर आहूजा पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा, तब वो मिसेज रंधावा के पास गया और उन्हें शांत करते हुए बोला, मैडम आप प्लीज शांत हो जाइए, अगर आप इस तरीके से बिहेव करेंगी तो फिर छोटे मालिक को कौन बचाएगा। स्टाफ ने मिसेज रंधावा को अभिमन्यु चंदेल के बारे में याद दिलाते हुए कहा, फिलहाल हमें कोर्ट के सामने चुपचाप ही रहना पड़ेगा जब तक कि मिस्टर अभिमन्यु चंदेल यहां पर नहीं आ जाते। जैसे ही मिसेस रंधावा ने अभिमन्यु चंदेल का नाम सुना वो थोड़ा शांत हो गई, हालांकि उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा नजर आ रहा था जो उस वक्त उसे उन चारों लड़कों को देखकर आ रहा था। लेकिन अभी उसका बेटा कोर्ट में था और वो वहां पर उन लोगों के साथ कुछ भी नहीं कर सकती थी। जब आर्य ने देखा कि मिसेस रंधावा अपने पुराने अंदाज में वापस आ गई थी, तब उसने उसकी तरफ देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए अपने आप से कहा, देखो देखो इस औरत को जो रंधावा परिवार की मालकिन है, लेकिन थोड़ी देर पहले ही कोर्ट के सामने अपने आंसू दिखा रही थी और अपने आप को एक मामूली सीधी सी औरत कह रही थी, लेकिन बस कुछ ही मिनटों में वो फिर से अपने असली रंग में वापस आ गई। जब वहां मौजूद लोगों ने मिसेस रंधावा का दूसरा साइड देखा तो वो लोग जोर जोर से मिसेस रंधावा के बर्ताव के बारे में बातें करने लगे। मिस्टर वीरेंद्र आहूजा ने चिल्लाकर फिर से टेबल पर हथौड़ा मारते हुए कहा, साइलेंस। अब कोर्ट में मौजूद सब लोग शांत हो गए और वीरेंद्र आहूजा ने फिर से कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू कर दी। कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू की जाए, मिस्टर आहूजा ने उस लड़के की तरफ देखकर कहा जो थोड़ी देर पहले तक उस रात की घटना के बारे में बात कर रहा था। वो लड़का फिर से हिचकिचाया और चुप ही रहा। उसकी चुप्पी अब आर्य को परेशान कर रही थी, क्योंकि वो भी जानना चाहता था कि उसके साथ वहां पर हुआ क्या था। इसलिए उसने चिल्लाते हुए उस लड़के से कहा, अब चुप क्यों हो, जवाब दो,
तुम्हें रुद्र ने मुझे फंसाने के लिए क्यों कहा था? मैंने तो तुम लोगों के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया और हमेशा अपना दोस्त माना, फिर भी तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत की क्यों? क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूं? आर्य को सबसे ज्यादा बुरा इस बात का भी लगा था कि जिन्हें उसने अपना दोस्त माना था उन लोगों ने उसके साथ ऐसा किया था। भले ही उन लोगों की पारिवारिक दुश्मनी जितनी भी क्यों ना हो, या फिर जब तक आर्य को इस बारे में पता नहीं था, वो भी रुद्र और बाकी लोगों को दोस्त कम और अपना भाई ज्यादा मानता था, और उन्हीं लोगों ने आर्य की पीठ पर खंजर मारा था। वो चार लड़के जिनसे बार बार आर्य सवाल कर रहा था, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आर्य की आंखों में आंखें डाल सके, इसलिए वो लोग चुपचाप अपना सर झुकाए खड़े थे। उन लड़कों में से एक लड़के ने रुद्र की आर्य से दुश्मनी की वजह के बारे में बताते हुए कहा, हमारा भी ऐसा कोई इरादा नहीं था और ना ही हमसे तुम्हारी कोई दुश्मनी थी। वो तो रुद्र ने हमें कहा था कि तुम राठौड़ परिवार से हो और तुम्हारा उस परिवार से बहुत ही खास रिश्ता है और तुम्हारा परिवार रंधावा परिवार की तरक्की के बीच में आ रहा है, इसलिए तुम्हारे साथ उसने ऐसा किया। अगर हम लोग तुम्हें इस डांसर के साथ फंसा देते तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और फिर तुम्हारे बहाने ही ये लोग तुम्हारे परिवार का नाम खराब कर देंगे, ताकि आगे फिर से तुम्हारे परिवार का कोई भी इंसान रंधावा परिवार से कहीं भी किसी भी जगह मुकाबला न करे। रुद्र के दूसरे दोस्त ने आर्य को रुद्र के मन की बात बताते हुए कहा, असल में रुद्र ने कभी तुम्हें पसंद नहीं किया, वो तो हमारे ग्रुप की आपस में बात होने लगी और जब तुमने अपने बारे में बताया तो तब से ही रुद्र इस मौके का इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम कभी ये सब समझ ही नहीं पाए। अब रुद्र के तीसरे दोस्त ने आर्य से सवाल करते हुए कहा, हां इसमें तो तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम बेवकूफ हो, फिर तुम हम लोगों को इसका जिम्मेदार क्यों बता रहे हो? अब उन लोगों की बातें सुनकर आर्य को गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्से में उन लड़कों को घूरा और फिर थोड़ी देर तक घूरता ही रहा। उसकी लाल गुस्सेल आंखें किसी तेज चाकू से कम नहीं थी। हालांकि अब आर्य को पता चल चुका था कि उन लोगों का असली मकसद क्या था और वो लोग उसके और उसके परिवार के साथ क्या करना चाहते थे। तो अब आर्य ऐसे लोगों को अपने हाथों से मारना चाहता था, क्योंकि ऐसे उन्हें सजा दिलाकर उसे सुकून नहीं मिलने वाला था। जब उसने रुद्र की तरफ देखा तो उसके मुंह से खून निकल रहा था और वो बोलने के लायक भी नहीं था। जब उन दोनों की नजरें मिली तो रुद्र ने देखा कि आर्य बहुत गुस्से में था और उसका गुस्सा कोई मामूली गुस्सा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसे कच्चा चबा जाएगा। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी रुद्र आर्य पर हंस रहा था। उसकी हंसी देखकर आर्य को इतना ही समझ आया कि जैसे रुद्र उसके भोलेपन का मजाक उड़ा रहा था और कहीं ना कहीं वो उसे इनडायरेक्टली बेवकूफ समझ रहा था। आर्य के लिए फीलिंग कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि आज तक स्कूल से लेकर उसके 18 साल की उम्र तक सबने उसे ऐसे ही समझा था, जबकि वो बिल्कुल बेवकूफ नहीं था, बस थोड़ा सा इमोशनल था। जब आर्य ने वो लुक रुद्र की आंखों में देखी तो थोड़ी देर के लिए उसका गुस्सा शांत हो गया। अब उसे नहीं समझ आ रहा था कि सचमुच गलती रुद्र की थी या उसकी, क्योंकि कहीं एक जगह पर उसकी गलती हो सकती थी, लेकिन आज तक आर्य को लोगों ने ऐसे ही महसूस कराया था।
कि हर वक्त उसकी ही गलती थी, यहां तक कि उसके करीबी लोगों ने भी। तो फिर आर्य तो उस लिस्ट में रुद्र को शामिल करने का सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अब बस हो गया था क्योंकि आर्य ने सोच लिया था कि अब वो बेवकूफ नहीं बनेगा और ना ही लोगों को उसे बेवकूफ समझने देगा। वो हर उस इंसान से बदला लेगा जिसने आज तक उसका फायदा उठाने की कोशिश की है, सबके साथ। आर्य ने रुद्र के साथ बात करते हुए और सवाल करते हुए पूछा। अब आर्य शांत हो चुका था और फिर उसने सीरियस लुक के साथ रुद्र की तरफ देखकर कहा, इसका मतलब यही है कि रंधावा परिवार के लोग काफी लंबे समय से राठौड़ परिवार को नापसंद करते आ रहे हैं और यही वजह है कि तुमने मुझे इस केस में फंसाया, ये वजह है ना। जैसे ही रुद्र ने देखा कि आर्य का गुस्सा शांत हो चुका था तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। जैसे जैसे आर्य का गुस्सा शांत होते जा रहा था, रुद्र को उतना ही आश्चर्य होते जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस बार आर्य नहीं बल्कि पूरे शहर के सामने वो बेवकूफ साबित हो गया। उन दोनों में जो अचानक से एक्सचेंज ऑफ पर्सनालिटीज हुआ था, वो देखकर रुद्र को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रुद्र ने आर्य से सवाल करते हुए कहा, हां ठीक है, अगर यही सच है तो फिर क्या। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से आर्य को हुआ क्या और वो उससे बदला लेने की जगह उससे बातचीत करने में क्यों लग गया। इस बात से इरिटेट होकर वो अपने खून भरे मुंह से ही आर्य की बातों का जवाब देने लगा। आर्य ने फिर से गुस्से में रुद्र को घूरते हुए पूछा, ठीक है तो तुम अपनी गलती मान रहे हो है ना। आर्य की बात सुनकर फिर से रुद्र बेवकूफों की तरह हंसने लगा। उसने अपनी गंदी नजर से आर्य की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें यह लगता है कि इस नकली कोट में और इन लोगों के सामने तुम मुझे दोषी साबित कर सकते हो। आर्य ने फिर से रुद्र से सवाल करते हुए कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुमने अभी खुद कोर्ट के सामने अपनी गलती कबूल की है ना। रुद्र ने हंसते हुए आर्य से कहा, तुम्हारी बेवकूफी का जवाब नहीं है आर्य। रुद्र ने फिर से आर्य का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें क्यों लगता है कि मिस्टर वीरेंद्र आहूजा मेरे रंधावा परिवार का कुछ बिगाड़ सकते हैं। हाँ ऐसा हो सकता है कि लेकिन तुम्हारे सपने में। रुद्र के स्टाफ ने उसे रोकते हुए कहा, छोटे मालिक, क्योंकि वो सारी बात वहां मौजूद लोगों के सामने कर रहा था और उसे डर था कि कहीं उसकी इन हरकतों की वजह से लंबी सजा ना हो जाए, इसलिए उसने डरते डरते रुद्र को रोकते हुए कहा, क्या सबके सामने अपनी गलती कबूल करना पड़ जाएगा रुद्र को महंगा, क्या इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद भी रुद्र इस केस से बच निकलने में कामयाब हो पाएगा। आर्य रुद्र को कैसे सजा दिला पाएगा, क्या उसका जज वाला आइडिया इस केस में काम आएगा।